संसार में सबसे अधिक विनाशक क्या होता होगा? लालच? नहीं। कामना? नहीं। क्रोध? नहीं। तो फिर सबसे अधिक विनाशक आपका अंत चाहने वाला शत्रु होता होगा, यही सोच रहे हैं ना? तो इसका उत्तर भी है नहीं। संसार में सबसे अधिक विध्वंसक यदि कोई है तो वो है एक मूर्ख या धूर्त मित्र। कहते हैं कि क्रोधित बैल के सामने से और बिगड़े हुए अश्व के पीछे से नहीं जाना चाहिए, अन्यथा चोट लगनी निश्चित है। परंतु एक धूर्त और मूर्ख मित्र की ओर किसी भी दिशा से जाना उचित नहीं, क्योंकि एक धूर्त और मूर्ख मित्र उस नरभक्षी पशु के समान होता है जो समीप आने वाले का नाश ही करेगा। धूर्त या मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु हर परिस्थिति में अधिक श्रेयस्कर है, इसलिए मित्रता करते समय सावधान अवश्य रहिए। सामने आओ पांचाले, तुम्हारी ननद का पति हूं मैं, तुम्हारा जमाई। स्वागत नहीं करोगी हमारा? कौन से पति? ओ अर्जुन, जो पशुपतास्त्र की खोज में गया है, या भीम, जो अर्जुन की खोज में गया है, या फिर युधिष्ठिर, जो भोजन की खोज में गया है? अब बाकी बचे नकुल सहदेव, उस कुमार कोमल राजकुमार मीठी निद्रा में सो रहे हैं। मैंने उन्हें सुला दिया है और अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है। स्वागत करो मेरा। हा? तुम्हारी ननद का पति हूं मैं। तुम बच नहीं पाओगे, मेरे पति तुम्हारा नाश कर देंगे। और ये युधिष्ठिर, और ये बुलाओ पांचाले और चिल्लाओ, तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आने वाला। क्षमा चाहता हूं महारुद्र, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा। क्षमा भूल की होती है, अपराध की नहीं। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा वत्स। जान कर भी ना पहचान पाना अपराध होता है प्रभु, परंतु अनजाने में ना जान पाना भूल होती है। आप आदेश करें, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा प्रभु, परंतु आप अपने अनुज को
क्षमा करें महाबली हनुमान। वरदान और क्षमा दोनों के लिए मनुष्य को पात्र होना पड़ता है। तुम उसके पात्र हो कि नहीं ये देखना होगा। उठो, यदि क्षमा चाहते हो तो एक परीक्षा स्वीकारनी पड़ेगी तुम्हें। कैसी परीक्षा मारुति? यदि तुम मुझे पकड़ने में सक्षम रहे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। बोलो, स्वीकार है? प्रयास करूंगा प्रभु। क्या हुआ अनुज, मुझे पकड़ पाने में सक्षम नहीं? तो हार स्वीकार लो। बहुत बढ़ाई तुम प्रिय बरतई समाई सहस बदन तुम रोज सगावै अस कहि श्री पति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मा ने मुनि सानार सारे सैदानी सांगम कुबेर के पाल जाते को विद कहि सके काम। मैं आपसे स्पर्धा नहीं करना चाहता था देव, परंतु आपकी क्षमा और कृपा का आकांक्षी था। क्षमा कीजिए प्रभु। हम संतुष्ट हुए और प्रसन्न भी। तुम्हें ना केवल बल है पर उसको सही समय पर प्रयोग करने का सामर्थ्य भी है। मैंने तुम्हें क्षमा किया अनुज भीम। मैं वचन देता हूं कि आने वाले इस युद्ध में मैं अपने बल से तुम्हारी सहायता करूंगा। पवन पुत्र भीम का अदृश्य बल बने, विजयी भव अनुज। मुझे इस समय आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है ज्येष्ठ। अज्ञातवास प्रारंभ होने में बस कुछ ही घड़ियां शेष है और अर्जुन की कोई सूचना नहीं। मुझे अपने अनुज को सुरक्षित लाना है। भ्राता को ढूंढने निकले थे और भ्राता से मिल लिए, अर्थात तुम्हारा मंतव्य सफल हुआ। तुम लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें अर्जुन मिलेगा और शीघ्र ही तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरा करने का अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा। और इस युद्ध में मैं तुम्हारे भ्राता अर्जुन के ध्वज पर विराजमान रहूंगा, ये मेरा वचन है। विजयी भव। मामाश्री, मुझे चिंता हो रही, जयद्रथ तब तक आया क्यों नहीं? अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है। नहीं दुर्योधन, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जामाता श्री जयद्रथ पांचाली को लेकर हमारे सम्मुख अवश्य प्रस्तुत होंगे और उनके पीछे पीछे बेचारे पांडव। और हाँ, मुझे तो ये भी पूर्ण विश्वास है कि हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी ना, क्योंकि तुम्हारा मित्र वो अंगराज कर्ण इस समय उपस्थित है ही नहीं। कोई नहीं बचाने आएगा तुम्हें पांचाले। मुझे आपको पकड़ने में कोई आनंद नहीं है देवी पांचाली। मैं तो बस आपके पतियों को पकड़ना चाहता हूँ जो आपको ढूंढते हुए आने वाले हैं। उसके पश्चात 12 वर्षों तक आपको कोई तंग नहीं करेगा। आनंद से वनवास काटना है, चलो। Oh, my God.
पांचाली, नकुल, सहदेव, कहाँ हो तुम सब? पांचाली, हे ईश्वर, ये तो पांचाली का अंग वस्त्र है। पांचाली, नकुल, सहदेव, पांचाली, सहायता कीजिए। अज्ञातवास प्रारंभ होते ही फिर से वनवास आरंभ हो जाए। हे सूर्य देव, शक्ति दो कि मैं गांधार नरेश का षड्यंत्र सफल कर सकूं। सहदेव, सहदेव, नकुल, नकुल उठो, सहदेव, पांचाली कहाँ है? जवाब दो। कोई है? रक्षा कीजिए। पांचाली, ये तो पांचाली का स्वर है। पांचाली, चलो सर से। पांचाली, कोई है? जब द्यूत सभा में तुम्हारे पति तुम्हारी सहायता नहीं कर सके पांचाली, तो अब क्या सहायता करेंगे? कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए। मामा श्री, ये क्या हो रहा है? आ है जयद्रथ, अब तक लौटा क्यों नहीं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दुर्योधन। अब तक तो पांचाली को लेकर जयद्रथ यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था। क्या बाधाएं आ गई उसके मार्ग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पांचाली, बचाओ, बचाओ, मेरी सहायता करो।
देखो तुम्हारी सफलता का विजय नाद तुम तक पहुंच गया है दुर्योधन। बस कुछ क्षण और सूर्यास्त के पूर्व हम पांडवों को पकड़ने की घोषणा कर देंगे और उन्हें फिर से 12 वर्ष के वनवास के लिए भेज देंगे दुर्योधन। मेरे प्यारे सम्राट बचाओ। नरेश, इस बार कर्ण तुम्हें सफल नहीं होने देगा। पांडवों को बचाने के लिए मुझे चक्रवात शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। चक्रवात अस्त्र। दुर्योधन, लगता है जयद्रथ आ गया। दुर्योधन आगे 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 बढ़ो। दुर्योधन आगे बढ़ो। आज तुम्हारा नाश तो निश्चित है दुष्ट। हमने तुमको पकड़ लिया है। अब फिर से वनवास में जाओ। ओमेश्वरी, यहां पे कोई नहीं है। उन पांडवों को छोड़ो। जीजाश्री स्वयं यहां पे नहीं है। असंभव, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो यही थे। किसने किया ये सब? किसने किया? मैंने। मैंने।
मैंने किया है ये सब गांधार नरेश, मैंने किया है।